नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि थानों में जो भी पीड़ित आता है उसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी पीड़ित दर दर की ठोकर खाने को है मजबूर। सभी अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर पीड़ित थक चुका है। 26 जुलाई 2022 को पीड़ित भानु प्रताप सिंह निवासी नगला रामबला कालिंदी विहार थाना ऐत्याझोला का रहने वाला है। पुलिस लाइन स्थित एसएसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंचा और अपने साथ कई घटना से नवनियुक्त एसएसपी प्रभाकर चौधरी को अवगत कराया और कहा कि 7 फरवरी 2022 को उनके घर से 30 से 35 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका खुलासा अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि पीड़ित भानु प्रताप सिंह को अपने बड़े भाई दिव्यांशु का भाभी पर चोरी किए जाने का शक है और पीड़ित ने पुलिस को भी अवगत कराया, लेकिन चोरी और थाना पुलिस के द्वारा अभी तक पीड़ित की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है एवं सीओ छत्ता के द्वारा पीड़ित को धमकाने व प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। एसएसपी को लिखित में शिकायत थी और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने जाँच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी पीड़ित को नहीं मिला इंसाफ, क्या एसएसपी के आदेश के बाद पीड़ित को कब तक मिल पाता है इंसाफ। पुलिस मुख्यमंत्री के आदेश की उड़ा रहे धज्जियां, एसएसपी ऑफिस पहुंचा पीड़ित, लगाई न्याय की गुहार। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने दिए जांच के आदेश। जीबीएन 24 न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मेरा चोरी का मैटर था जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़ा था और पुलिस वाले मुझे ही उल्टा धमका रहे हैं और कार्रवाई मेरे खिलाफ ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं आया था। पुलिस वाले कैसे धमका रहे हैं, किस क्या वजह है? जो सीओ छाता है, मेरे जो एरिया की छाता है, सीओ सर्कल ऑफिसर हैं, वो मुझे धमका रही हैं कि अगर मैं नहीं मानता हूँ और मुकदमा अपने भाई भाभी के खिलाफ करवाता हूँ तो मेरे को ही उल्टा झूठा मुकदमे में फंसवा देंगी। मतलब पुलिस, मैं पुलिस को कमज़ोर ना समझूं और पुलिस सब कुछ कर सकती है ऐसे करके। कितना समय हो गया आपको ये फरवरी से केस चल रहा है और ये बात अप्रैल की है, अप्रैल से भी अब तक 2 महीने हो चुके हैं लगभग। आप कहाँ कहाँ गए हैं? मैं चौकी पे गया हूँ, मैं थाने पे गया हूँ, मैं एसएसपी सर के पास, पहले जो सुधीर कुमार सिंह थे उनके पास भी आया था, मैं एडीजी तक गया हूँ और मैंने आश्वासन मिला अभी तक आपको? मुझे आश्वासन तो यही मिलता है कि देखते हैं देखते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे क्या है इसका कार्रवाई का, आप क्या कर सकते हैं? आगे कार्रवाई, फिर कोर्ट से मेरे खिलाफ़ एक मुकदमा डाला है जो कि कोर्ट के नज़र में तो बिल्कुल गलत है, फिर कोर्ट से कार्रवाई होगी, बाकी हाई कोर्ट पे भी देखा जा सकता है।